हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की जो रेसिपी है वो हम देखेंगे डोरा केक का। इसे डोरा केक, पैन केक, जो चाहे वो कह लीजिए। तो आज इसकी हम रेसिपी देखेंगे। तो गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ आज डोरा केक। आज फ्राइडे डे है तो कभी कभार तो ये सब चलता है, तो इसलिए मैं हर फ्राइडे को कुछ स्पेशल बना के अपने बच्चे को देती हूँ, जो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं। हर रोज़ का जो एक ही चीज़ है लंच में, रोटी सब्जी या खा कर पक जाते हैं बच्चे, बोर हो जाते हैं। तो मैं हर फ्राइडे कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। तो आज मैं डोरा केक बना रही हूँ, जो कि 10 मिनट की रेसिपी होती है, बहुत जल्द बन भी जाती है, इसलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। आप चाहें तो आप इसे बच्चे को लंच बॉक्स में या कहीं भी कभी भी बना कर ले जा सकते हैं और दे सकते हैं। इस तरीके से पहले मैंने शुगर को ग्राइंडिंग जार में पीस लिया है। उसके बाद मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के ऊपर रखूँगी मैं छन्नी, और छन्नी में डालूँगी मैं हाफ कप ऑफ मैदा और हाफ कप ऑफ यहाँ पर मैं डालूँगी आटा। अगर आप चाहें तो आटा से भी बना सकते हैं, लेकिन आटा से बनाने के बाद क्या होता है कि कभी कभार वो थोड़ा सा आटा वाला टेस्ट आता है। तो मैंने आज मिल्क, आटा और मैदा दोनों मिलाकर बनाया है, और यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर भी लिया है 1/4 कप। इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। इसमें मैं डालूँगी अब 1/2 कप, इसमें मैं डालूँगी जो मैंने शुगर पीसा था वही मैं डाल दूँगी इसमें। ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है गाइस, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आप चाहें तो इसे आप ब्रेकफास्ट में इंजॉय कर सकते हैं, आप चाहें तो आटा को स्किप, मैदा को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने शुगर डाल दिया 1/2 कप, और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 TSP बेकिंग पाउडर, और 1/8 TSP मैंने डाला है यहाँ पर बेकिंग सोडा। सबको डाल कर छान लेंगे यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून हनी डाला है, ये मार्केट वाली हनी है, आप मार्केट वाला ही यूज कीजिए। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल, आप इसकी जगह पर मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस डाला है, आप चाहें तो वनीला एसेंस को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मिल्क, 1 कप दूध आपका यहाँ पर तकरीबन लग जाएगा, इससे लग जाएगा क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पर मिल्क थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम पैन केक बनाते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होने लगती है। तो आप जब भी पैन केक बनाएं उसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएं, क्योंकि ये गाढ़ा होते जाता है। देखिए अभी तो इतना दूध बच गया है मेरा, फिर मैं बाद में यूज करूँगी। पैन रख दिया है, मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और मैं सारा काम फटाफट कर रही हूँ क्योंकि वहाँ लेट भी हो रहा था। और मैं यहाँ पर ऑयल ग्रीस तो मैंने कर दिया था, ब्रशिंग कर दिया था, लेकिन मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो उसे ग्रीस करके मैंने डाल दिया है बैटर को। 1/4 कप बैटर डाला है, या कोई एक सेट कर लीजिए कप, उसी से डालिए, सारा आपका इक्वल बनेगा, कोई बड़ा छोटा नहीं बनेगा। इस तरीके से मैं 2-3 मिनट तक ढक कर पका दिया है और उसे फिर फ्लिप कर दिया है। कलर देखिए बहुत ही खूबसूरत आया है, सारे एक जैसा बनेगा। और देखिए बार बार मैं इसे फ्लिप करके एक दो बार थोड़ा सा टैप, मतलब कि दबा के पका देती हूँ, और इसे कच्चा नहीं रहेगा, निकाल दिया मैंने। एक एक करके मैं सारा ऐसे ही बनाती हूँ। याद रहे आपका पैन बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, अगर आपका पैन बहुत ज़्यादा हीट है तो थोड़ा सा फ्लेम को आप बंद कर दीजिए थोड़ा सेकंड के लिए, नहीं तो उस पर पानी का छिड़काव करके उसको टेम्परेचर लो कर दीजिए। और इस तरीके से मैंने एक करके पका लिया है, और देखिए सबका कलर एक जैसा है, इक्वल है। आप टेम्परेचर अगर ठीक से मेंटेन रखते हैं तो आपका पैन केक अच्छा बनेगा, इक्वल एक कलर आएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना टिफ़िन बॉक्स ले लिया है, क्योंकि मुझे 2 टिफ़िन बॉक्स पैक करना होता है, 2 नहीं, मेरे 3-4 टिफ़िन बॉक्स पैक करना होता है। हस्बैंड का मैं अलग पैक करूंगी, अभी मैं बच्चों का पैक कर रही हूं। तो अभी मैं यहां पर एप्पल रख देती हूं। उसके बाद मैंने हर्सिस का स्मूदीज लिया है, शेक लिया है, और एप्पल लिया है मैंने। और इसके बाद मेरे 2 पैनकेक भी बन रहे हैं, तब तक मैंने पैकिंग शुरू कर दिया है अपना, क्योंकि लेट भी हो रहा था। तो ये काम सुबह का होता है, भागा भागी होता है, तो बहुत जल्दबाजी करनी पड़ती है, और उसमें मेरे 2 पैक करने होते हैं। इसके बाद मुझे हस्बैंड का टिफ़िन लंच भी बनाना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन बनता है पैन केक तो हस्बैंड ले नहीं जाते हैं, तो मुझे उनके लिए अलग लंच बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज वगैरह सब मैंने रख दिया है, और यहाँ पे मैं अपने बच्चों का फेवरेट दे रही हूँ शेक, और इसे एनर्जी बूस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे देती हूँ ग्लूकोज। तो लीजिए अब मेरी बारी आ गई पैनकेक की। इससे मैं 6 पैनकेक बनके रेडी थी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी, इक्वल कलर आया था। देखिए इस तरीके से मैं तोड़ के दिखा रही हूँ।
इस तरीके से आप तोड़ के ऐसे भी इसे इंजॉय कर सकते हैं, या तो आप इसे इस पे कुछ स्प्रेड करके खा सकते हैं, या फिर चॉकलेट से इस पर भी स्प्रेड ही नटीला जो आपके पसंद का है वो कीजिए। इस तरीके से मैंने यहाँ पर चॉकलेट गनास बना के रखा था, क्योंकि मेरे केक के ऑर्डर आते रहते हैं तो मुझे चॉकलेट गनास बना के मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखती हूँ। अपने बच्चों के लिए भी केक बनाती हूँ तो उनके लिए भी, तो यहाँ पर मैंने वही लगा कर इसे मैंने इस तरीके से मैं पैक कर दे रही हूँ, और इसे ही मैं कट करके गुलाब देती हूँ। मेरे बच्चों को इस तरीके से बहुत पसंद आता है, मेरे ही बच्चों को क्या, सारे बच्चों को इस तरीके से डोरा केक पैनकेक बहुत पसंद आता है। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर बनाइए। अगर आपके पास बना हुआ नहीं है स्प्रेडी तो आप नटेला भी इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप जो स्प्रेडी आपको पसंद है आप इस पर यूज करके दे सकते हैं, या ऐसे भी आप दे सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी बनता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। अब मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद देखिए कट कर रही हूँ, बहुत ही स्मूथ कट हो रहा है, बहुत टेस्टी बना है। इस तरीके से मैं सारा कट करके पैक कर दूँगी और बच्चों को दे दूँगी। तो सुबह के भागा भागी में जो आपको अच्छा लगता है अपने बच्चों को बना के दीजिए। एक दिन पहले लंच की तैयारी कर लीजिए अगर हो सके तो। यहाँ तो मैं काम तो सुबह ही करती हूँ, मुझे रात में मैं नहीं करके कुछ भी रखती। इस तरीके से मैंने सारा कट कर लिया है। अब मैं एक एक करके सारे पैनकेक में इसे पैक कर लूँगी, और पैक करने के लिए मैं यहाँ पर अल्मीनियम फॉयल यूज कर रही हूँ। हालांकि मैं अल्मीनियम फॉयल ज़्यादा मैं यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि माना जाता है कि अल्मीनियम फॉयल पैक करने के लिए खाने के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इको ऑडी का बहुत सारे ऐसे पेपर आते हैं, मैं वही यूज करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास वो ख़त्म है तो इसलिए मैं अल्मीनियम फॉयल का यूज कर रही हूँ। नहीं तो पेपर्स का जो होता है खाने के फॉयल के लिए वो बेस्ट होता है, मतलब खाना पैक करने के लिए वो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो आप ही उसमें पैक करके दिया करें। तो इस तरीके से मैंने दूसरा भी लंच बॉक्स पैक कर दिया है दोनों बच्चों के लिए। यहाँ पर लंच बॉक्स मेरा पैक है, इसमें मैंने स्मूदी डाल दिया। यहाँ में मैंने क्या किया है कि अब ये मैंने हटा दिया है, और एप्पल मैंने हटा दिया है, उसमें मैंने सेक डाल दिया है ताकि दोनों एक साथ वो लोग खा लें। अब एप्पल में उनको सेपरेट मैंने दे दिया है, निकाल कर अलग से बैग में रस डाल दिया है। तो यहाँ पर मेरे बच्चों का लंच बॉक्स ग्लूकोज सब कुछ रेडी है। वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिले।